भारतीय क्रिकेट टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है, मुकाबला होना है 22 अक्टूबर को धर्मशाला में मैच होगा। विराट कोहली के फ्रेंड्स भी टीम देखने के लिए पहुंचे एयरपोर्ट। ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया धर्मशाला के होटल रेडिसन व्यू में। सभी खिलाड़ी ठहरेंगे। मैच को लेकर पुलिस ने तैयार किया है रोड मैप। इमरजेंसी वाहनों के लिए रोड खुले रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और वहां के रेडिसन ब्लू होटल में वो सभी ठहरेंगे। 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होना है, उसको लेकर सभी फैंस काफी उत्साहित है और खिलाड़ी भी काफी उत्साहित है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, फैंस उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। धर्मशाला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होने वाला है धर्मशाला में, और उसको लेकर भारतीय टीम धर्मशाला पहुंची है। उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया इंडिया टीम। ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से हमारे साथ मनोज सीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर को मैच हो रहा है और आज भारतीय टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है जहाँ उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है और इस मैच से पहले पिछले कल न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई थी और आज जो है वो भारत की टीम पहुंची है। 1:30 बजे के करीब ये टीम गगल एयरपोर्ट पहुंची थी जहां पर इनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया और क्रिकेट के प्रेमी है वो भारतीय खिलाड़ी को देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर अच्छा खासा हजूम इकट्ठा हो गया और एक अच्छे उत्साह के साथ जो है इन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के दायरे में बसों में बिठा करके धर्मशाला के रेडिसन होटल में जो है वो छोड़ दिया गया है। अब खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं और इंतजार है 22 अक्टूबर के मैच का। तो मैच तो 22 अक्टूबर को 2 बजे शुरू होगा जिसके लिए उत्साह जो है वो अच्छा खासा देखा जा रहा है और हर तरफ जो है वो लोगों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। लोग आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 21 और 22 तारीख को पूरी की पूरी धर्मशाला पैक है। ऐसे में अब मैच पर जो है सभी दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं और मात्र 2 दिन अब मैच को बचे हैं तो ऐसे में अब जो दर्शक हैं उनमें अच्छा खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो धर्मशाला को वन वे किया गया है। 21 तारीख का जो 22 तारीख को मैच होना है तो 22 तारीख को पूरे का पूरा धर्मशाला जो है वन वे होगा। जो वोल्वो बसें हैं भी शीला चौक होकर के जाएंगी। दिल्ली से पठानकोट जाने वाली, पठानकोट से कांगड़ा आने वाली बसें जो हैं वो शीला चौक होकर के आएंगी। ऐसे में स्को वाला रास्ता जो है बंद रखा गया है और कोई भी बड़े वाहन जैसे ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्रक माल उतारने के लिए आते हैं तो उनको 8 बजे से पहले जो है एंट्री दे दी जाएगी। 8 बजे के बाद किसी भी बड़े वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई ट्रक आ जाता है, पहुंच जाता है और वापसी करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। रात को 12:30 बजे के बाद ही वो ट्रक वापसी कर पाएगा। तो ट्रैफिक रूल भी बदले गए हैं और लोगों के लिए जो पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी गई हैं और शटल बसेस के माध्यम से जो है पार्किंग से जो दर्शक आएंगे उनको स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। शटल बसेस की मदद जो है वो प्रशासन ले रहा है तो ऐसे में किसी भी दर्शक को जो है वो परेशानी नहीं होगी। दीपिका जी, मनोज, साथ ही अगर पिछले मैच की बात की जाए तो जो दर्शक है उनको टिकट के लिए काफी यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी परेशान वो होते हुए नजर आए जहाँ ऑफलाइन टिकट के लिए वो स्टेडियम में पहुंचे। इस बार क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं दर्शकों के लिए? बिल्कुल दीपिका, देखिए वर्ल्ड कप के ये मैच हैं और 5 मैच धर्मशाला में होने हैं। 3 मैच हो चुके हैं और चौथा मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा और 28 तारीख को 5वां मैच खेला जाएगा। इसमें जो है बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि जितनी भी टिकट है वो ऑनलाइन बुक होगी और बुक माई शो ऐप के जरिए ही टिकट बुक होगी। लेकिन उसके बाद जो है सारी टिकट जो है बुक हो चुकी है और कहीं से युवकों को भनक लग गई थी कि
टिकट काउंटर खुला है। हालांकि टिकट काउंटर खुला है वो प्रिंट आउट दे रहे हैं, जो ऑनलाइन बुक हुई है उसके प्रिंट आउट दे रहे थे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बवाल यहाँ पर देखने को मिला था, काफ़ी नाराजगी लोगों को देखने के लिए मिली थी, क्योंकि टिकट जो स्थानीय लोग हैं वो बुक नहीं कर पाए, उनको टिकट नहीं मिली, मैच देखने से वो वंचित हैं। तो ऐसे में अब नाराजगी भी जाहिर करी है उन लोगों ने, क्योंकि स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों को मैच देखने में के लिए नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब ऑनलाइन टिकट जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही बुक हो चुकी है, तो ऑफलाइन टिकट के लिए काउंटर, अब कोई भी काउंटर नहीं खुला, तो लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब जो स्टेडियम में नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने टीवी पर मैच देखेंगे, मैच का आनंद ले सकते हैं। दीपिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी आपने साझा की इसके लिए।